दोस्तों, हिंदू धर्म में मरने के बाद लाश को क्यों जलाते हैं? यह बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके धार्मिक और साइंटिफिक दोनों तरह के ही कारण हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि हिंदू धर्म में मरने के बाद लाश को जलाते क्यों हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। आग, पानी, हवा, धरती और आकाश। इन 5ों तत्वों के मेल से हमारा शरीर बनता है। जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में आत्मा को अजर अमर माना गया है और बचता है केवल हमारा शरीर, जिसे वापस उन्हीं 5ों तत्वों में मिलाना होता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उनको सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराया जाता है, फिर उनको अग्नि दी जाती है और फिर उनकी राख को गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक कारण की। पुराने जमाने में जब मेडिकल ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब कई तरह की भयानक बीमारियां इंसान को लग जाती थी, जो कि हवा में फैलकर दूसरों को भी बीमार कर देती थी। इस तरह की बीमारी से यदि कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके आसपास वाले लोगों का भी बीमार होने का खतरा बढ़ जाता था। इसी कारण से हिंदू धर्म में मरे हुए व्यक्ति को जलाने की प्रथा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।